हमें कंटेंट लेना है तेरे से, समझ नहीं पा रहा है। गगन तेरा पेट इतना क्यों निकल रहा है यार? अरे ऑक्सीजन से हो जाता है। आँख खोल खोल, बड़ी आँख खोल। हाँ अब कर, हाँ ये अब बाल ऊपर कर, सारे बाल ऊपर कर, ऐसे कर, हीरो बन। हाँ हाँ दिखा, अब दिखा, 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 अपने मुंह को खोल थोड़ा, ऐसे दोनों हाथ अपना। Hi guys, good morning, welcome back to my channel. So abhi, hello. हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? I'm good. हाँ तो मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी एंड मेरे को मम्मा पापा ऐसे ही अभी तो गाड़ी साफ कर रहे। आ जा तो ठीक है। तो हम सोचा कि इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह, तो गाड़ी से कहीं ड्राइव पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए, मज़ा आएगा, थोड़ा हम भी जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी बस पापा अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं हमारी एंड फिर हम चलेंगे घूमी घूमी। इधर आओ पहले। गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा है? ये तुम्हारे गाड़ी पे कोई छेड़ा खानी कर रहा था। कौन कर रहा था? ऐसे लुक रहे थे, वो लुक रहे थे ये नीचे टायर के नीचे घुस गए वो है। ओ गाइस, मैं मम्मा पापा जा रहे थे बाहर एंड हमने साथ में गगन को भी ले लिया। तो गाइस मैं तुम लोग को अभी दिखाती हूँ मेरे बाहर का व्यू, और मेरे बाहर का व्यू है ये, दूर दूर तक बड़े बड़े पहाड़। पापा कैसा लग रहा है आपको व्यू? बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को यहाँ? इतना ये रस्ती है हमारे यहाँ पे, ये शराब बहुत चलती है, ऐसे शराब पीते रात को लोग रस्तों में छोड़ देते हैं। और फिर देखो यहाँ भी कचरा कर रखा है। मत क्या करो यार, एक पॉली बैग लेके चल लिया करो। जो लोग यहाँ से जिनका आना जाना रहता होगा भाई, उनको कितना अच्छा लगता होगा ना ये सड़क, ये व्यू, एकदम फ्रेश हवा। कल जब मैं बारिश में भीग गई थी ना, तब से मेरा गला खराब है, और मैं सुबह उठी ना तो मेरा गला से ऐसे आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अब तो बहुत बेटर हो गया, बस मुझे दर्द हो रहा है मेरे गले में। बाकी तो बारिश की वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी कल, बट अभी आज हम इतनी फ्रेश एयर लेंगे, इतनी फ्रेश एयर लेंगे, सारा एकदम ऑक्सीजन हम, और वो भी प्योर ऑक्सीजन। ये देखो गाइस, इसे बोलते हैं हर्षाऊ, और हिशाऊ भी बोलते हैं। ये खाने का होता है, इसको जरा ट्राई करके देखते हैं। ओह बहुत टेस्टी होता है यार, खट्टा भी है पर अच्छा है। पहले हम लोग यहीं रुक रहे थे, फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा और ऊपर चलते हैं, तो पापा और गगन गए हैं गाड़ी लेके आ रहे हैं, और मैं और मम्मा वॉक कर रहे हैं यहाँ पे। मम्मा हाउ आर यू फीलिंग? ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। इधर आके तो वी आर ऑलवेज हैप्पी, मतलब इतना अच्छा सुकून भरी लाइफ, एकदम फ्रेश एयर। सबसे ज़्यादा मेरे को तो इसी चीज़ का हो रहा है कि मतलब इतना फ्रेश एयर है और इतना क्लीन पानी आता है ना, एकदम प्योर, एकदम इतना सुंदर लग रहा है। और ये देखो मम्मा यहाँ से आ रही है, ये देखो हमारी गड्डी भी आ गई है। हेलो, अच्छा बैठ गए हैं गाड़ी में। ओए दरवाजा तो बंद करने दो। बादलों के उड़ के उड़ने, उधर से देखो हमारा घर भी दिख रहा है, वो जो सफेद टंकी दिख रही है तुम लोग को, हम आपको भी दिख रही है वो, देखो सफेद टंकी है, उसके पीछे ही हमारा घर बना हुआ है। हैं दिख रहा है? घर दिख रहा है? हाँ घर दिख रहा है। गगन तेरे को बुरा लगेगा हम जाएंगे तो? हैं नहीं लगेगा? ये लग जाएगा। और राम दीदी जाएगी, तेरे को बुरा नहीं लगेगा? शुभम भैया पता नहीं कब आएंगे, कह रहा शुभम भैया पता नहीं कब आएंगे। तेरे को मेरी पड़ी है कि नहीं पड़ी है? चल फिर गाना सुना दे पहाड़ी में मुझे अच्छा सा। करे दीदी के लिए। मेरा पाको बाजू माशा नरड़ी
नरन का फल पाको चेता अरे पिजर मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। गाइस हम जैसे जैसे घर की तरफ पहुंचते हैं मुझे एकदम फिर से कुछ एकदम इतना सुंदर सा व्यू दिख जाता है तो मैं बोलती हूँ रुको यहाँ पे भी रुकेंगे। और भाई यार बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कहते हैं हम हो गए इसको। अरे ओए पीछे रहे, पागल है क्या? हो गया कुछ हुआ? क्या हो गया इसको? क्या कह रहा है? फिर से कर, 1 2 3। हाय गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हवा भी आ रही, पर यहाँ गर्मी लग रही है। तो बाल को समेटता रहता है। हाय गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये व्यू देखो यार, बहुत अच्छी लग रही है यार। पूरी नदी दिख रही है यहाँ से एकदम, और पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। और देखो नया पुल भी बना है ना वहाँ पे, वो पुल भी दिख रहा है यार। अब ना नदी देख के ऐसा मन कर रहा है नदी के पास जाने का पापा, और नहाने का मन। मेरा मन कर रहा शांति से बैठो बस। शांति से नहीं, मेरा मन तो कर रहा है कि नदी के पास जाओ और मस्त पैर हाथ डाल के नदी में बैठ जाओ, एकदम ठंडा ठंडा पानी हो रहा होगा अभी, और धूप भी पड़ने लग गई है तो एकदम मजा आ गया। हाय गाइस, मेरे को यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, और यहाँ एसी चलाने का मन हो रहा है, एसी तो है नहीं यहाँ। और गगन स्कूल कब से जाना है तेरे को? स्कूल जुलाई 3 तारीख को। हॉलीडे होमवर्क कर लिया तूने सारा जो हमारे साथ घूम रहा है यहाँ पे? हॉलीडे होमवर्क आ रही है बस। और मुझे कल बोल रहा था दीदी आप मेरे ना हॉलीडे होमवर्क करा देना, मेरी ड्राइंग बनवा देना, और यहाँ घूम रहा है। गगन तेरा पेट इतना क्यों निकल रहा है यार? अरे ऑक्सीजन से हो जाता है। ऑक्सीजन से हो जाता है। उसने बोला तेरे को कि ऑक्सीजन से पेट मोटा हो जाता है, मेरा तो नहीं हुआ। पिछली बार तूने दांत नहीं गिनाए थे अपने? इधर देख कैमरे के आगे बोल, आंख खोल बड़ी आंख खोल। हाँ अब कर, हाँ ये अब बाल ऊपर कर, सारे बाल ऊपर कर, ऐसे का हीरो बन। हाँ हाँ दिखा, अब दिखा, दिखा, चल, दिखा, बोल दिखा, अब। अपने मुंह को खोल थोड़ा, ऐसे दोनों हाथ अब आया होश में है। चल, अब, बोल, अब, अब बोल, बोल 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 क्या बोलू बोल क्या हंस के रहे हो? तेरी हरकतों में हंस रहे हैं बेवकूफ। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। अबे चुप है, गर्मी हो रही है। तो इतनी देर से यही बोले जा रही है। इधर आजा आजा। अरे यार बहुत गर्मी हो रही है। गगन फिर तेरे को यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है। और मजा आ रहा है हमारे साथ? मजा आ रहा है। हाँ ठंड लग रही है तेरे को? नहीं। तो क्या लग रही है? ठंड लग रही है। लग रही है? हाँ। चलो नाइस। कब कभी कपड़े पहन के आता ना फिर पूरे। ठंड लग रही है तेरे को? हाँ। ठंड लग रही है तो कपड़े क्यों नहीं पहन के आया पूरे? तुम बोल ही रहे हो वही हो। उसको तंग कर दिया यार। स्वेटर पहन के आना चाहिए। क्या क्या कहते हैं वो, ठंड पहले बोले, ठंड ठंडी बोलो। अब यू बोल बारिश का मौसम हो रहा है, ये कितना अच्छा देखो हो रहा है। बोल बारिश होने वाली है, बोल बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। चल घर चले गगन, एक घंटा ऐसी चला रहा पहले। मैं ठंड लग रही है। एसी चला दे मेले। एसी को चलाना, अभी तो बोल रहा था ठंड लग रही है। अरे कौन है? अभी तो कह ठंड लग रही है। गगन अभी तो कह ठंड नहीं लग रही, चलो बढ़ा दो। गाइस तुम लोग देख रहे हो कितना खुला एरिया है। मैं अभी गाड़ी में बैठ के यही सोच रही थी कि कहाँ मिलता है, मतलब शहरों में इतना खुला खुला दूर से देखने को कहाँ मिलता है भाई। एंड यहाँ पे देखो सब औरतें ही मेनली अपना खेतों में काम कर रही हैं, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, है ना।
सारी फीमेल्स ही होती हैं, काम कर रही होती हैं। नमस्कार, अब हम खाएंगे मैगी और मम्मी पियेंगी चाय अपनी। डिफरेंट चीज देखी आज मैंने, छोले, समोसा, दही और प्याज भी है साथ में। टेस्ट अच्छा है। मम्मा अब तो आपको शौक चाय मिल गई, चाय मिल गई, चौमिन भी आ गई है। गाइस हम लोग अपना रोड ट्रिप से आ चुके हैं, अभी हमें जाना है मौसी अम्मा के घर, तो हम फटाफट से होंगे अब तैयार। अम्मा आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आके बाल ठीक कर लो, सुंदर कुड़ी हो ठीक है। चलो अम्मा आप, हम जा रहे हैं अपनी मौसी अम्मा के पास। मम्मा प्लीज चल लो यार, प्लीज चलो, अब हो गया, कोई चलने कोई तैयार नहीं। तुम्हें ना तबीयत अब खराब सी लग रही है, मेरे गला में इतना दर्द हो गया, मेरे को बुखार सा लग रहा है, वो ऐसे ना अजीब सा भारी भारी सा हो रहा है यहाँ पे। मैंने खैर अभी अभी दवाई ली है जस्ट, तो आई होप कि थोड़ी देर में बेटर हो जाएगा, कुछ नहीं और नहीं, दवाई खा ली मैंने बस। ऑल्सो गाइज आई डोंट नो इफ यू गाइज नोटिस्ड और नॉट, बट मैंने और मम्मा ने सेम कपड़े पहने हैं, सेम कुर्ता पहना है, और मैंने नीचे ब्लैक पजामे पहने हैं, मम्मा ने प्लाजो, और हमारे इयर रिंग, हमारे इयर रिंग भी सेम है। गाइज कॉमेंट डाउन बिलो, क्या हम एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तेरे से ज़्यादा गोरी लग रही हूँ, इतनी टैनिंग हो गई है ना, जितनी सांवली थी और काली हो गई, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है यहाँ पे। अभी तो हम गार्ड में नहाने नहीं गए, अभी हम एक दो दिन में नहाने जाएंगे ना, बाप रे उसके बाद तो जो महा टैनिंग, पर मज़े भी बहुत आते हैं, तो हमें वहाँ से उठने का मन नहीं करता, तो हम दो तीन घंटे वहीं नहा धो के फिर वापस आते हैं, तो इतने टैनिंग हो जाती है ना, बिल्कुल टैन हो जाते हैं। मैं अम्मा को देख के पहचान गई थी। अम्मा नमस्कार, खूब है, खूब है, अच्छे है यार तुम, मिल लो अपनी बहन से। कितना सुंदर भी है पीछे। अम्मा ने हमारे लिए कितना सारा खाना बनाया, चावल रोटी भी बनाई है, आलू की सब्जी बनाई है, रायता, दाल, इतनी सारी चीजें बनाई है। डाली डाली फूलों की नाशपाती का पेड़ है, पूरे के पूरे इतने सारे नाशपाती लगे हैं, देखो नीचे भी गिर गए थे, मैंने उठा दिए तुम लोग को दिखाने के लिए। बादलों के उड़ के उड़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, बाय माँ, ठंडो पानी, ठंडो पानी। गाइज पता नहीं मेरा कल से गला दर्द हो रहा था, अब मेरा गला बैठ चुका है, और मुझे नहीं पता कि ये मेरी आवाज़ कब तक ऐसी रहेगी। हम जा रहे हैं चौखुटिया बाज़ार, वहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी शॉपिंग वगैरह करेंगे, सामान लेंगे एंड फिर वापस घर आएंगे। तो मम्मा चले चौखुटिया बाज़ार। ओए मेरे को डर लग रहा है यार इससे। अरे इतनी देर, तो ये क्या है, वो काटता नहीं बेटा, पास ले, देखो कितनी बड़ी छिपकली है, ये देखो, ओए भाई साहब, ओ छुप गया, देखा मेरे जाती, ये रहा देखो, ओ ये बड़ी छिपकली देखी मैंने, इसको हमारे गॉल बोलते हैं, गॉल। गाइस देखो हम घूमते घूमते कितनी सुंदर जगह पे आ गए हैं, और इतना खुला खुला एकदम दूर दूर तक हमें बस पहाड़ दिख रहे हैं, और इतनी शांति हो रही है यहाँ पे, इतना सुंदर व्यू लग रहा है, और सब अपने अब काम वाम करके घर जा रहे हैं इस टाइम पे। गाइज हम आए हैं यहाँ पे एक दुकान पे, और हम कुछ सामान ले रहे हैं यहाँ पे, पहाड़ी ज्वेलरी अपनी गले पे लगाते हैं ना, हाँ इसे गलोबंद बोलते हैं हमारे पहाड़ी में, ये छोटे बड़े ये भी अच्छा है, देखो ऐसी नथ होती है हमारे यहाँ पे, और बड़ी बड़ी भी है ना इसमें। गाइस हमने बहुत सारा सामान ले लिया है, और मैं तुम्हें अभी तो खैर लेट हो गया है, शायद कल तुम लोग को सब कुछ खोल खाल के दिखाऊं, एंड जितना भी पहाड़ी ज्वेलरी होती है मैं तुम्हें सब पहन के दिखाऊंगी, एकदम फुल मेकअप वेकअप करके तुम्हें अच्छे से पहन के दिखाऊंगी ये। गाइस क्या हुआ ना, थोड़ा सा कल बारिश हुई, दो दिन से हम यहाँ थे, इतनी भयानक गर्मी हो रखी थी, तीसरे दिन बारिश हो गई और हम निकल गए तुरंत बाहर। अब मेरे को जोश चढ़ा, मैं बारिश में भीग रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हूँ, इतनी हवा चल रही है, फील भी हो रहा है कि कान में एकदम घुस रही है हवा, और बाद में मेरा सर भारी हो गया और मेरा गला बिल्कुल ऐसे दर्द होने लग गया, और मेरा इतना कल रात को और इस टाइम भी इतना दर्द हो रहा है ना मेरा गला, और मतलब
मुझे बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा है, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है। भूख लग रही है लेकिन खाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है कुछ खाऊंगी तो दर्द होगा। तो बहुत मेरी तो हालत टाइट खराब हो गई है यहाँ पे। और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लगा मैं एकदम मस्त घूमूंगी, अब यहाँ देख लो बीमार पड़ गई मैं आते। मम्मा मुझे घर जाके मम्मी ने बोला कि मुझे काढ़ा देंगी और दवाई देंगी, ठीक है मम्मा? हाँ बेटा बिल्कुल। आर यू मैड एट मी? नो नॉट एट ऑल। गुड, यू शुड टेक केयर ऑफ मी एंड तुम लोग मेरे लिए प्रे करो कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं और तुम्हारे लिए अच्छा कंटेंट बनाऊं, क्योंकि इतनी मेरे गला दर्द हो रहा है मतलब। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम लोग मेरे साथ सब कुछ देखो, अगर मेरी मैं खेल रही हूं कूद रही हूं तो तुम वो भी एक्सपीरियंस करो, लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब हो रही है मैं सैड हूँ तो तुम्हें वो भी एक्सपीरियंस करना चाहिए मेरे साथ, बिकॉज यू गाइस आर माय फैमिली एंड फैमिली तो हमेशा साथ में रहती है ना। तो सब साथ में काढ़ा पियेंगे आज, लेट्स गो। अम्मा आपकी नातनी की तबीयत खराब हो, तो मुकी किरण यार बहुत बार चिल्लानी आराम करनी, मैं भी तो एकदम कल से आराम करती बेटा। अब क्या करूं मैं, इसको ठीक कैसे करूं, गला खराब हो गई तेरा, ये मैं फ्रिज का पानी पिया, मैं देखा था फ्रिज का नहीं पिया था मैंने, वहां ऊपर रखा था तूने, दोनों मुंह पर लगाया वो। अरे उतना ठंडा नहीं था, सुबह से मेरे को हर चीज पे डांट लगी। तू मेरी तबीयत क्यों खराब हुई, तू लेट सोई ठीक है, तू रात को जगी हुई थी, तू फोन चला रही थी, तू खाना नहीं खाती, तूने ठंडा पानी पिया, कोई लॉजिकल रीजनिंग वाला एक एक जवाब नहीं मिला मुझे, सबने ताने दिए बस पूछने के नाम पे सबने। गाइस मेरा काढ़ा आ चुका है एंड मेरा मन तो कुछ भी नहीं कर रहा है खाने पीने का, बट काढ़ा पीना पड़ेगा एंड आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी आवाज़ अनोइंग लग रही हो तो, मुझे खुद की अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रही है, बट आई कैन नॉट हेल्प इट राइट नाउ, सो ठीक है। गाइज अभी मैंने थोड़ी देर पहले पैरासिटामोल खाई थी, उसके बाद मैंने दूध पिया और अब मुझे एक और दवाई खानी है, ये वाली जो कि है सिट्राजीन। ये मेरी मतलब जो मुझे एलर्जी हो रही है ना उसमें मेरे को थोड़ा सा बेटर फील कराएगा, क्योंकि मेरा ये पूरा मेरी नोज ब्लॉक नहीं है, मुझे बस बहुत इरिटेशन और इचिंग हो रही है अंदर और दर्द हो रहा है अजीब सा, और मेरा थ्रोट में दर्द हो रहा है और बस इस और इस चीज, क्योंकि मुझे साइनस भी है तो इस और इस चीज़ की वजह से ना मेरे को बॉडी में बहुत अजीब सा लग रहा है, प्लस मुझे बुखार भी हो रहा है। तो मैं फटाफट से अब ये वाली दवाई खाने जा रही हूँ एंड फॉर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर। आई एम सो सॉरी गाइज, मैं तुम लोग को आज ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करा पाई बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बट आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस व्लॉग एंड इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर करो कि तुम सब मुझे गेट वेल सून लिखो, ओके फटाफट से जाके लिखो, ओके बाय। बोलते दूसरी बार च्युइंगम गिर चुकी है, क्या कर रहा है गगन, गिर गई फिर उठा रहा है, अरे वो मुंह पे नहीं। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.